आज हम इस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, मैकग्रर की एक्स एंड वाई थ्योरी या रिमेनिंग जो आपकी मोटिवेशन थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या आइए, एमसी ग्रेगर या मैकग्रर एक्स एंड वाई थ्योरी। तो मैकग्रर ने क्या किया कि जो आपके एम्प्लॉयज है, जो पर्सनस है, उसको दो कैटेगरी में बांट दिए, कैटेगरी एक्स और दूसरी कैटेगरी वाई। कैटेगरी एक्स में वो पर्सन है जो खुद से काम नहीं करना चाहते, खुद से काम नहीं करना चाहते, उनको प्रेशराइज करके काम कराया जा सकता है। वो क्या है, आपके क्या है, एक समाज से कटे हुए लोग कह सकते हो आप, वो बस आलसी है, पूरे के पूरे लेजी पर्सन है। उनसे कुछ कहा जाए, नेगेटिवली उसको कहा जाए तो वो काम करेंगे, नहीं वो काम नहीं करेंगे। उनको सख्त मोटिवेशन की जरूरत होती है, नेगेटिवली मोटिवेट किए जाते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब ये वो लोग हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, कैटेगरी एक्स में, ठीक है, लेजी वर्कर्स होते हैं। और बेसिकली इस कैटेगरी में ये लोग आते हैं जो फिजिकल, और इनकी जो नीड होती है ना, जो बेसिकली जो फिजिकल वर्क करते हैं ना, उसमें ये लोग आते हैं मेनली। और इनकी जो नीड है मैक्सिमम, ये लोग बस इतनी ही चाहते हैं कि इनका ये फिजिकल नीड्स पूरी हो जाए और सिक्योरिटी नीड पूरी हो जाए, ठीक है। आई बात समझ में, लेजी वर्कर्स हो गए, आप समझ गए। और एक कैटेगरी में हो गए आप लोग, वाई कैटेगरी, जिसमें आपको सेल्फ मोटिवेटेड, आपको क्या चाहिए, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, आपकी ये टारगेट है। आपको कहने की जरूरत नहीं, आप रोज का काम रोज करके आते हो, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ते हो, आपको पता है डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन इज अ ब्रिज ऑफ ब्रिज बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सक्सेस। तो आप उस ब्रिज को फॉलो कर रहे हो, है ना, तो आप डिसिप्लिन में रहते हो, अच्छे से काम करते हो। तो वाई कैटेगरी में आ गए ये लोग, ठीक है, आई बात समझ में। तो एक बात याद करना, इसकी एरर मत कर देना कि टू फैक्टर थ्योरी में एक्स एंड वाई मत लिख के आ जाना, बहुत बार आता है, बहुत बार एरर भी करके आते हैं बच्चे, कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते एक्स एंड वाई। एक्स का मतलब ये कि भाई वो आपके क्या है, लेजी पर्सन्स, वर्क से भागने वाले पर्सन, और वाई में क्या हुआ, आपके आप लोग, मतलब सेल्फ मोटिवेशन, अच्छे से काम करने, ठीक है। आगे आ जाओ, अब देखो आपने ना इसको तीनों को कैटेगराइज किया, ठीक है, मतलब तीनों को, मास्लो को, हर्ज़बर्ग को और मैकग्रर को। तो आप कैसे लिखोगे, हमने पढ़ा है मास्लो की जो नीड थ्योरी है उसमें पांच तरीके की नीड थी, है ना, मास्लो में पांच तरीके की नीड थी। फिर आपने पढ़ा आपने हर्ज़बर्ग, हर्ज़बर्ग में भी आपने पढ़ा दो बाई दो फैक्टर होते हैं, हाइजीन और मोटिवेशनल, है ना, और इनके डिफरेंट नाम भी पता है ना, मेंटेनेंस फैक्टर बोल सकते हो, हाँ, तो ये पता होना चाहिए आपको किसको क्या बोल रहे हैं। और फिर अभी आपने पढ़ा एमसी ग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी, ठीक है। मास्लो की जो पांच नीड है आपकी, लोअर नीड और अपर नीड, तो अपर में आपसे सबसे पहले क्या लिखा, सबसे ऊपर आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर आपकी एस्टीम, फोर्थ नंबर पे आ गई आपकी एस्टीम, फिर आपकी सोशल आ गई, एंड फिर सेफ्टी, और फिर फिजिकल या फिजियोलॉजिकल, ये पांच नीड आ गई। इसने दिए आपके जो फैक्टर्स है कौन कौन से हैं, मोटिवेशनल और दूसरा हाइजीन फैक्टर, और इसकी यहाँ पर आपकी आ गई वाई थ्योरी, और इधर आपकी, देखो अब इसने क्या किया, कैटेगरी कंपैरिजन जब करने के लिए कहा तो कह दिया कि जो आपकी अपर जो नीड्स है, ये अपर नीड्स है दोनों, ये लोअर नीड है, लोअर लेवल नीड्स, अपर नीड्स जो है ये आपके मोटिवेशनल या आपके क्या बोलते हैं सेटिस्फाइड फैक्टर के इक्वल है, जो छह फैक्टर्स आ गए आपके, उसको इक्वलिटी में लिख सकते हो आप, छह फैक्टर्स, या फिर एक्स थ्योरी जो है उसके इक्वल है, ये तीनों बराबर है, ठीक है। और उसके बाद आया ये जो लोअर लेवल नीड्स है, ये हाइजीन फैक्टर्स के बराबर है, ये आपकी एक्स थ्योरी के बराबर है, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो। तो एग्जाम में आते भी हैं क्वेश्चंस कि भाई हाइजीन फैक्टर्स जो है वो किसके इक्वल है, तो लोअर लेवल नीड्स, मोटिवेशनल फैक्टर्स किसने, अपर लेवल नीड्स, या इसकी कौन सी कैटेगरी के बराबर, किसके लिए अप्लाई होते हैं, तो तीनों में आपको कंपेरिजन करना, रिलेशनशिप बनाना आपको आना चाहिए। आगे समझ में, ठीक है, ओके। उसके बाद आपकी जो थ्योरी आती है वो है थ्योरी जड, ठीक है, ये आपने अभी पढ़ लिया कि कौन सा कहाँ पे आता है, ईआरजी मैंने कल बता दी थी, इसी के साथ रिलेशन होता है मास्लो के साथ, वो अपवर्ड अपवर्ड थी, ये डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों चलती है, कि अगर कोई पर्सन अपनी
अपर नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो लोअर पे जाके उस पर काम करेगा और उसको सेटिस्फाई करेगा। अब उसके बाद आया जड थ्योरी। जड का देखो, अगर एग्जाम में आया जड थ्योरी, अगर मैनेजमेंट में है तो वो ये कहोगे कि वो विलियम आउची ने दी है, लेकिन अगर यही थ्योरी अगर एच आर एम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यस एज थ्योरी जड ऑफ एच आर एम, तो वो इसने नहीं दी, वो उर्विक ने दी है। एक तो इतने वो मैडम बता देगी जब आप एच आर एम पढ़ोगे। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, आप हम जड थ्योरी पढ़ेंगे मैनेजमेंट की। पहली बात तो ये ऐसा कुछ नहीं कि जड़ कुछ अलग से कोई नाम डेवलप हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे थ्योरी एक्स और वाई आ चुकी थी, बस इसी ने एक जापानीज मैनेजमेंट में, आउची जो है एक मैनेजमेंट का आदमी है जापान में, उसने क्या किया एक थ्योरी डेवलप कर दी जिसको थ्योरी जड़ कर दिया। उसी सीरीज में क्या कहा इसने, सारे वही पाँच फंक्शंस है आपके जो अमेरिकन सिस्टम है या आपके जो ब्रिटिश वाले हैं, कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, पांचों फंक्शंस आपके काम करेंगे। बस इसमें क्या आ गया, एक चीज ऐड हो गई आपकी। क्या चीज ऐड हो गई, पांचों बिल्कुल उसी तरीके से है आपके, पांचों फंक्शंस यहाँ पर फॉलो होते हैं आपके, वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, बिल्कुल आपके फॉलो होते हैं। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा जो रिलेशन होता है ना, वो फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ऐड हो गई कि यहाँ पर आप अमेरिकन जो है ना, अमेरिकन सिस्टम है आपका, जापानीज में मैंने आपको एक दिन बताया होगा कि आप वहाँ पर काम करके दिखा दो, अच्छा डिग्री मिल जाएगी, क्या हो जाएगी आपको, एक डिग्री मिल जाएगी काम अगर आपने अच्छा कर दिया है तो। आई मेरी बात समझ में आपको, मैंने क्या कहा है कि अमेरिकन सिस्टम में ये चीज़ें थी और जापान में क्या है कि आप काम अच्छा करो, डिग्री अपने आप मिल जाएगी, काम की वैल्यू है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या रखा कि वहाँ पर फॉर्मल रिलेशनशिप थी, यहाँ पर रख दिया कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप होगी और आपका क्या होगा, ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहेगा कि ये मेरे लिए काम करेगा, मैं इसके लिए काम करूँगा, तो दोनों का सभी का अच्छा होगा। पांचों फंक्शन बिल्कुल जो अमेरिकन थे बिल्कुल एज इट इज ले लिया आपने, बस चीज़ क्या आ गई, चीज़ आ गई इनफॉर्मल रिलेशनशिप और ट्रस्ट आ गया वहाँ, ठीक है। आई भाई मेरी बात समझ में, अभी हम जड़ थ्योरी के कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आया ट्रस्ट, कि आपस में क्या रहता है, ट्रस्ट बना रहता है कि वो मेरे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज, एक अच्छा बॉन्ड होता है आपस में, मतलब कि बहुत अच्छी मतलब रिलेशंस होते हैं कि वो ट्रस्ट की वजह से ही हैं कि वो उसके लिए काम कर रहा है, वो उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉय के लिए जो हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होती है, एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट, काम कर रहे हो यानी मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी रखेंगे, उस तरीके से हर तरीके से इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा, कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि जापान में कुछ पहले ऐसा सिस्टम था, क्या बहुत अच्छा काम किया, डिग्री दे दी आपको, जाओ पीएचडी हो गई आपको, ये काम किया ये दे दिया आपको, नहीं देते आपको कि इंडिया में भी तो देते हैं ना, ये डिग्री देते हैं कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी किसी को पीएचडी की डिग्री पकड़ा देती है, जैसे एमडी यूनिवर्सिटी ने जो आपका अजय चौटाला है शायद या अभी चौटाला, उसको डिग्री दे रखी है पीएचडी की, वैसे ही तो लगाते हैं ना डॉक्टर अजय चौटाला, तो इस तरीके से आपकी कोई डिग्री वो दे देते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये कुछ कंपोनेंट है, बस सिर्फ आपको इसके बारे में याद रखनी है कि जड़ थ्योरी किसने दी, जड़ थ्योरी दी आपकी आउची ने, किसके स्टेट सिस्टम पे बेस में, जापानी स्टेटमेंट सिस्टम, मेन जो कंटेंट है इनफॉर्मल रिलेशन होगा और ट्रस्ट बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आई आपकी इक्विटी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी जो आपकी कहती है स्टेसी एडम्स की इक्विटी थ्योरी। ये देखो आप समझना इस थ्योरी को क्या कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ से रिलेट करती है थ्योरी। एक बात तो याद रखना, हम कुछ नहीं कह रहे ना आप कुछ कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, हम इनकी बातें कह रहे हैं, थिंकर्स कह रहे हैं, उसकी बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं थ्रू दिस, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है ऐसे बताने के लिए। सबसे पहले स्टेसी एडम्स ने क्या कहा भाई, इसने कहा कि हर कोई पर्सन अपने इनपुट्स देता है, एफर्ट्स करता है, फिर कुछ टाइम बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं, यही बात होता है ना, इनपुट्स करता है फिर आते हैं आपके रिजल्ट्स। अब जो रिजल्ट्स आते हैं तो उसको आप कंपेयर करते हो, जो कि सभी में होता है, अब कंपेयर करते हो तो वहाँ या तो आपको डेविएशन मिलता है,
अगर या वहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिलेगा या जितना आपने एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा मिल गया या उससे कम मिला, यानी आप अंडर रिवार्डेड हो सकते हो, ओवर रिवार्डेड, या आपके इक्विटी की पोजीशन में आ सकते हैं कोई आप सेटिस्फेक्शन की हो। अगर आप ओवर रिवार्डेड हो तो भी परेशान होंगे और अंडर रिवार्डेड हो तो भी परेशान होते हो, ठीक है। उसके लिए क्या करते हो आप कुछ ना कुछ चेंजेस करते हो, वो भी बात करेंगे कैसे चेंजेस करते हो। और जब तक आपका सेटिस्फेक्शन मतलब एक नहीं आ जाता तब तक आप उस चीज़ को फॉलो ही करते रहते हो, ठीक है। स्टेसी एडम्स की इक्विटी थ्योरी क्या कहती है कि जो आपके एफर्ट्स है और जो आपकी रिजल्ट्स है, आपकी परफॉर्मेंसेज है, उसमें क्या होना चाहिए, मतलब इक्विटी आनी चाहिए। और जो इक्विटी नहीं आएगी तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए मोटिवेट होते रहोगे, ठीक है। अब देखो एक बार आप इसमें क्या कह रहे हैं, इसके देखो इसके जो कंपोनेंट है ये कह रहा है कि हर कोई इसकी जो थ्योरी है ना, ये जो मेन जो थीम है वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये देखो ऐसे होता है आपका, इसके एग्जांपल और भी हो सकते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स में आपका नेट जेआरएफ मान लो किसी का कई बार होता नहीं है, मतलब थोड़ा लेट होता है, हो जाता है कईयों का, ऐसा हो जाता है, किसी का लक फैक्टर काम कर जाता है, किसी का उस वक्त की साइकोलॉजी खराब हो जाती है, ऐसे हो जाता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, होता क्या है कुछ लोग क्या करते हैं भाई, अगर नहीं हो रहा तो अगली बार ज़्यादा मेहनत करके जाते हैं तो कर लेते हैं क्रैक, मैं उसी के प्रति डेडिकेट होकर निकाल लेते हैं वो चीज़। कई बार क्या होता है कि नहीं हो रहा, फिर एक दो अटैम्प्ट के बाद ना छोड़ देते हैं लोग, जल्दी हार मानने वाले लोग कह सकते हो आप, तो वो भी ये चीज़ कर रहे हैं ना, नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव हुई। और पॉजिटिव में क्या हुआ, जब आपने एफर्ट्स को बढ़ा दिया है भाई, रिजल्ट नहीं आया तो कुछ और कर लेंगे हम, तो ये चीज़ क्या हुई आपकी, इक्विलिटी, ठीक है। रिया अब मेरे को बता कि इतने दिनों में पहले तो आए हो आप, ये जैसे एमकॉम की क्लासेस नहीं होती है क्या कि चलो आज नहीं तो मंडे से चलेंगे, है ना, मंडे से चलेंगे, एक तारीख से चलेंगे, आप कॉलेज में करते थे जैसे, अगले सेमेस्टर से पहले दिन से पढ़ेंगे, है ना, नोटबुक बना के पढ़ेंगे, वो यहाँ सिस्टम वो चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता, क्योंकि यहाँ छुट्टियाँ नहीं होती, और छुट्टियाँ नहीं होगी एक भी क्लास मिस करते हैं आप कहीं पे भी, जब आप कंपटीशन में आ जाते हैं, स्ट्रेटजी में आ जाते हैं, तो आपको क्या होगा कि आपको लॉस ही होगा हमेशा, है ना। सो आगे से कोई क्लास मिस मत करना, अब आपने शुरुआत कर ली है तो बस आप पीछे मुड़ के भी मत देखना, नहीं टिल यू आर सक्सेस, आप इसी रास्ते पे चलते रहेंगे। दूसरा, अभी आपने सुना या नहीं सुना, अब इसका प्रूफ दो आप, मतलब आप बताओ स्टेसी एडम्स की इक्विटी थ्योरी। आज तो बैठिए, चलो आज तो फर्स्ट क्लास है, इस तरीके से आराम से बैठेंगे, क्या है वो बताओ आप, स्टेसी एडम्स की इक्विटी थ्योरी क्या होता है, बस शाबाश शाबाश, कुछ भी बोलेगी ना वही आपकी एक्सेप्ट है बात, बोल। शाबाश, मुझे पता है आपका अभी फर्स्ट क्लास है ना, थोड़ा ध्यान सा नहीं लगा, अब लगेगा ध्यान, आपने क्या पढ़ा, अब दूसरा देखना वो जो भी बोलेगा ना उसकी बात सुन के आपने बताना कि उसने क्या बताया है, ठीक है। चल निशा बता, कंपेयर तो कर ली, कंक्लूजन कैसे, हाँ अंडर रिवार्डेड है या ओवर रिवार्डेड है, या उसके अकॉर्डिंग अपना उस तरीके से कर, हाँ ठीक है। चल अब प्रीति आप बताओ, फिर बताना आपने, इनपुट्स मीन्स योर एफर्ट्स, ठीक है, इनपुट मीन्स एफर्ट्स, ठीक है, आगे बात रिजल्ट है, और फिर अगर नहीं हो रहा है तो फिर उस सिचुएशन को भी छोड़ देते हैं, ठीक है।
लास्ट में इसकी स्टेटमेंट क्या थी, बस वो बता दो आप, इसकी जो थीम बताई ना वो बता दो, क्या कहता है थीम में कि सभी जो पर्संस होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, अपने इनपुट आउटपुट का रेशियो दूसरों के साथ या दूसरी सिचुएशन के साथ कंपेयर करते हैं, अगर इनइक्वलिटी मिली तो वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगी। ठीक है, आई ना मेरी बात समझ में? और इसके लिए वो या तो नेगेटिव या पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगली थ्योरी आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ये तो थ्योरी थी आपको जगाने के लिए, है ना, याद रहे मुझे पता, या जिसको भी आप देखो सामने मैं खड़ा हूँ तो मुझे सब की पता लग रहा है कि कौन कितना समझ में आ रहा है ना। और जैसे आप एक बार भी एरर करेंगे ना तो सामने वाला पकड़ लेंगे, हाँ अब पकड़ी गई है। ठीक है, ठीक है ना बात को। अब अगली थ्योरी देखो, अगली थ्योरी आ गई आपकी मैकलिरन की नीड अचीवमेंट थ्योरी। ठीक है, ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग क्या होगी आपकी, एक लाइक एक कहीं ना कहीं रुकावट आ गई, बैरियर बन गई आपकी। कुछ नहीं होती है ओवरथिंकिंग, ऐसी चीज हो गई होती है ओवरथिंकिंग, चलती है कुछ टाइम के लिए, रहती है 5-6 दिन, फिर खत्म हो जाती है। सोचो बस, करते रहो ओवरथिंकिंग, ये भी एक पल है जिसको एंजॉय करना है ना। कुछ नहीं होती, मतलब लाइफ है, लाइफ के एस्पेक्ट हैं सारे, आते जाते रहेंगे। चलो उसके बाद देखो भाई, प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो है आपका कि किसी काम को जो आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसका मेन रीजन है कि आपको सैलरी चाहिए, सर्वाइवल आपको करना है। लेकिन इससे मोटिवेशन नहीं है, एज पर मैकलिरन उसने कहा कि आपकी जो सेकेंडरी नीड है वो मोर पावरफुल है, जिसके लिए आप मोटिवेट होते हो। और वो नीड कौन सी आपकी, नीड फॉर पावर, पावर चाहिए आपको, कोई ना कोई चीज अचीव करनी है आपको। और तीसरी तो तीसरी आपकी एफिलिएशन, रिलेशनशिप वाली, तीन नीड है। और इनमें भी सबसे ज्यादा कोई अगर स्ट्रॉन्ग नीड है तीनों में भी, ये तीनों मोटिवेशन का कारण बनेगी आपके लिए। सबसे ज्यादा है आपको चाहिए अचीवमेंट, देखिए आप यहाँ इसलिए बैठे हो क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अचीव करनी है। सभी के पास पावर नहीं आ सकती है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग नीड कौन सी हुई, नीड फॉर अचीवमेंट, इसलिए इसका नाम अचीवमेंट थ्योरी है, मैकलिरन की नीड अचीवमेंट थ्योरी। ठीक है, आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई चीज अचीव करनी है। तीन कैटेगरी, दो कैटेगरी बनाई नीड की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में ऐसी नीड्स है जिसको बस आप जॉब के दौरान करोगे, फॉर एग्जाम्पल सैलरी हुई। ठीक है, और दूसरी सेकेंडरी नीड्स होती है जो मोटिवेशन का कारण बनती है, जिसमें पावर हुआ, दूसरा आपके पास अचीवमेंट हुआ, तीसरा आपका, तीनों नीड आ गए। ठीक है, उसके बाद देखो, अब तीनों नीड का मतलब बिल्कुल आपको क्लियर है कि पावर का मतलब क्या है। पावर का मतलब दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सको आप, डिजायर टू मैनिपुलेट अदर्स और डिजायर फॉर सुपीरियरिटी, किसी के भी डिसीजन को मैनिपुलेट करा दो, इन्फ्लुएंस करा दो, तो ये पावर है आप में। जैसे अभी ये किसान जो फार्म बिल थे, इस किसान यूनियन की पावर थी कि गवर्नमेंट के डिसीजन वापस लेना पड़ा, ये पावर थी, नॉट अथॉरिटी, क्या थी, पावर। ये आप अच्छे से समझ चुके हो। एक आया अचीवमेंट, अचीवमेंट्स का मतलब क्या, एक्सीलेंस के रूप में आप क्या कर रहे हो, परफॉर्म करना चाह रहे हो, डिजायर टू परफॉर्म इन द टर्म्स ऑफ एक्सीलेंस, अचीवमेंट। नेट हो जाएगा आपका, एलिजिबल हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी आप उस योग्य हो गए कि आप दूसरों को पढ़ा सको। ठीक बात है, ये जेआरएफ हो गया, आप भी अच्छी रिसर्च कर सकते हो, इतना पैसा दे आपको सरकार, फिर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट कर लिया, अब ये हो गया है क्वालिफाई करने के लिए, आप अपॉइंटमेंट के लिए रेडी हो गए हो कॉलेजों में जाने के लिए। अब समझो, आप ये सब चीज़ें चाहते हो एक्सीलेंस, फिर यहाँ पर भी नहीं होता, फिर आप कहते हैं एसोसिएट बन जाए, ये हो जाए वो जाए, फिर आप कहते हो चलो अब बारी आ गई चलते हैं। तो ये मतलब अचीवमेंट के लिए, कहीं ना कहीं आप अचीवमेंट के लिए यहाँ बैठे हो, है ना। तो ये क्या है आपका, नीड फॉर अचीवमेंट, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सीलेंस, आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, टू बी सक्सेसफुल इन ए कम्पिटिटिव, या आपकी जो कम्पेटिटिव सिचुएशन है उसमें आप अच्छा सक्सेसफुल होना चाहते हो। देखो कंपटीशन बहुत आई है, आपको पता है जितने भी बच्चे एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं उसका 6% ही क्वालिफाई करते हैं नेट, 94% स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, नॉट क्वालिफाइड की कैटेगरी में आते हैं। और उस 6% में से भी उसका जो 3% होता है वो आपका जेआरएफ होता है। 6 का भी क्या हुआ, 3% आपका क्या होगा,
हाँ, यहाँ पर क्या आया, नीड फॉर अचीवमेंट, आप एक कम्पिटिटिव सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, और एक आया एफिलिएशन कि आप रिलेशनशिप चाहते हो दूसरों के साथ, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली नेचर चाहिए आपको। तो ये तीन चीज़ें आया। और एक याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है, जब भी आप मोटिवेट होते हो या लर्न कर रहे होते हो, तो दोनों चीज़ें इस तरीके से कर सकते हो कि लर्निंग इज ऑलवेज अवेलेबल इन मोटिवेशन। आप मोटिवेट होकर काम करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे। मान लो आप पढ़ रहे हो तो रोज ना कुछ नए वर्ड सीख रहे हो, आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो डेली, प्लस कुछ होना आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है। और ये इस वजह से नहीं हो रहा कि आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, इस वजह से कि आप चाहते हो, इस वजह से, है ना। तो ये क्या कहता है, लर्निंग इज ऑलवेज अवेलेबल इन मोटिवेशन। इफ यू आर मोटिवेटेड यू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ तो लर्न करोगे आज की डेट में, है ना। उसके बाद देखो इसकी क्या मैनेजर क्या इम्प्लीकेशन है, मतलब मैनेजमेंट में कैसे काम करता है ये देखो। कहते हैं एम्प्लॉयज ऑलवेज हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ थ्री मोटिव्स। तीन मोटिव्स देख लिए ना आपने, पावर, अचीवमेंट, सबकी अलग अलग है भाई। आपको अभी क्या चाहिए, अभी आपको क्या चाहिए, अचीवमेंट के लिए, है ना। पावर उसके बाद ही आएगी, अचीवमेंट हो जाएगी तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, पावर आ जाएगी आप में काम किसी को इन्फ्लुएंस करने की, ठीक है। दे सिग्निफिकेंटली डिफर इन टर्म्स ऑफ द प्रायोरिटी फॉर ईच। प्रायोरिटी आपके लिए अभी अचीवमेंट की है, ये अचीव कर लोगे तो कुछ और आ जाएगा, फिर रिलेशन पे आप बात करोगे ऐसे अपने आप ही, ठीक है। आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पीपल आर नॉट बोर्न विद द अचीवमेंट मोटिव। जब आप जन्म हुए तभी कह दिया कि ये करोगे आप, नहीं सीखा आपने यहाँ पर सोसाइटी में रहते हुए कि आप ऐसा ऐसा भी होता है कुछ, ठीक है। दे कैन बी ट्रेन टू बी हाई अचीवर्स, उनको एक ट्रेन किया जा सकता है कि आप हाई अचीवर्स बन सकते हो। आप लोग देखिए पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए, कहीं ना कहीं आपको अपने किसी को किसी ने ट्रेन किया, स्टार्ट में आपको बचपन का पता ही नहीं होगा कि क्या होता है नेट जीआरएफ क्या नहीं, है ना। नेट जीआरएफ का कुछ भी चीज़ का नहीं पता, अब जैसे जैसे आगे जा रहे हो आपको चीज़ें पता लग रही है, आप अपने आप को उस तरीके के एनवायरमेंट में वो कर रहे हो, ठीक है। पीपल वर्किंग इन मिडल क्लास, देखो मिडल लेवल, जो मिडल लेवल होते हैं उनको क्या चाहिए, फॉर हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर अचीवमेंट। मिडल लेवल पे होते हैं क्योंकि मिडल लेवल के पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। लोअर वाले होते हैं उनको फिजिकल वर्क करना है वो वहीं करेंगे, उसके बाद वो भी कर लेंगे। अपर वाले हैं वो ऑलरेडी उस पावर में है, बीच वाले उनके पास अचीवमेंट क्या है कि वो मैनेजर बन जाए, मैनेजर के बाद सीईओ बन जाए, तो सबसे ज़्यादा उनके लिए होता है। आई मेरी बात समझ में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कि सेकेंडरी जो मोटिव्स होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी मोटिव्स आर मोर पावरफुल, उससे ज़्यादा होता है सैलरी के लिए नहीं। चार बातें आपने यहाँ से पढ़ी है। थर्ड है आपका पीपल वर्किंग इन मिडल लेवल। देखो मिडल लेवल में कौन से हुए, जैसे आपके ये हुआ कोई मैनेजर्स से नीचे के जो पर्सन होते हैं, जैसे लाइक सुपरवाइजर्स हो गए, इस तरीके के जो होते हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने से अपवर्ड पे चले जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे, मैनेजर से सीईओ बन जाएंगे। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो नीड जो उनको चाहिए होती है या सबसे ज़्यादा मोटिव कर रही होती है, मोटिवेट कर रही होती है, वो मिडिल क्लास जो आपके होते हैं मिडिल लेवल पर जो एम्प्लॉय उनको कर रही होती है स्ट्रॉन्ग नीड, ठीक है, अचीवमेंट के लिए। आई मेरी बात समझ में। तो अभी जो इसमें आपने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि दो तरीके की नीड कैटेगराइज कर दी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपकी सैलरी और सेकेंडरी में आपकी आई पावर, अचीवमेंट और एफिलिएशन। जो आपकी अचीवमेंट है सबसे स्ट्रॉन्ग नीड है ना, ये आपने यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद आपने ये पढ़ा इसमें कि जो इसकी मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस है, उसमें पढ़ा क्या पढ़ा, सबसे पहले कि सारे एम्प्लॉयज सबके लिए डिफर करेगी आपकी, किसी के कोई प्रायोरिटी पे रहेगी, किसी के लिए कोई प्रायोरिटी पे रहेगी। दूसरी आपने पढ़ी कि पीपल बोर्न नहीं होते कि उनको क्या अचीव करना है, उसको ट्रेंड किया जाता है या करते हैं होते हैं कि भाई आपको ये अचीव करना है, ठीक है। तीसरा है आपके पास मिडिल लेवल पर जो वर्क काम करते हैं उन सबसे ज़्यादा उनको अचीवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और फोर्थ आपने पढ़ा सेकेंडरी नीड आपकी ज़्यादा मोटिवेट करती है एज कम्पेयर टू, ठीक है। नेक्स्ट आया आपके पास